बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैन भरावों की हाल उम्मीद कर दिया कि अल्लाह के फजल करम ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे भैन भरावों अल्लाह ताला हमेशा खुशबाद रखे और मुहर्रम उल हराम महीने के सदके अल्लाह ताला मेरे भैन भरावों नेक साले अल्लाह अता फरमावे आमीन सुमामी। तो इस दुआ अज के ब्लॉग का करते हैं ब्लॉग देगा तो पहले तमाम भैन भरा मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बैल के बटन में प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नवी वीडियो मेरे भैन भरावों तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे भैन भरावों अज तक ब्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला कि अज असी ब्लॉग बना रहे हैं आपी ईरम के नाम से, आपी ईरम यूके वाली। तो अज असी इंशाल्लाह आपी ईरम का शुक्रिया अदा भी करांगे। अच्छा जी, सब तो पहले तो असी अज आपी ईरम के बारे गल करांगे कि ईरम आपी ने साडे नाल की सलूक किया या ईरम आपी दा लोगों नाल की सलूक स्पेशली साडे नाल साडे वर्गियां नाल साडे नाल की सलूक किया, की रवैया वरत्या। तो इस वीडियो असी सारा एंड तक डिटेल बतावांगे, एंड तक डिटेल दसांगे तुहानू। तो उस तो बाद उन्होंने साडे नाल की कीता, अपना की होया, उस तो बाद अपना जो भी घर दी रूटीन होई है वो भी अपने भैन भरावां नाल शेयर करांगे। सब तो पहले भाई अपनी पीरम दा पीरम नाल साडा उन्हां दा की लेना देना किवें, यानी कि असी उन्हां दे नाल वाकिफ होए आ। तो आपीरम तो काफ़ी देर दी है, यानी कि जो असी चैनल पहला चैनल से, क्योंकि आपी अली भाई उन्होंने घर आते जाते उन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट सेगा और असी उन्हों की वजह तो असी जानते सके, असी समझते सके कि इन्हों की रियल भैन है। और मैं कई दफ़ा आपी कुछ दिनों के जो हालात जोड़े थोड़े गरम बरम होए तो मैं आपी मैसेज करके पूछे भी आपी ये थोड़े रियल भाई ने, तो आपी उन्होंने कमेंट पेन जरूर किया लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिता, दसिया नहीं कि वाकई ये इन्हों भाई ने। तो लेकिन कुछ हालात के आंदे जाते क्योंकि देख ही रहे हैं जो भी हो रहा, सारे पता, सारे भैन भरावों पता भी जो कुछ होया जो हो रहा। तो फिर हौली हौली ना वो फिर कुछ पै किसी भैन भरा ने कमेंट किया कि रियल भरा रियल ही होंगे, अच्छे हो बुरे हो, लेकिन वो वक्त दौर अज इस टाइम आपी ईरम ने बहुत ज्यादा हैल्प की है। वह कहड़ी हैल्प की है साड़ी, तो असी इंशाल्लाह नाल असी अपने भैन भरावों नाल शेयर करांगे। वीडियो स्किप नहीं करनी, पहले असी अपना डिटेल दस लीए भी साड़ी ईरम नाल वाकफियत किदा होई या आपी ईरम आई साढ़े कोल ते असी आपी ईरम नूं मिल नहीं सके, वो किस वजह तो मिल नहीं सके, वह भी असी अपने भैन भरावों नाल शेयर करते हैं। कि जदों असी साडा पुराना चैनल सीगा उस दे नज़रिए नाल असी आप यानी कि भाई अली दी अली वीर दी वीडियो वेखदे सीगे, उहदे विच सानूं पता लग्गिया कि आपी ईरम यूके तो ने, ते यूके तो यानी कि इन्हां दी कोई सकी भैन या कोई मासी चाची या फुफी होगी। इस वजह तो असी यानी कि जिस टाइम अली वीर को जदों फयाज भाई को आपी ईरम ने आना सी ते असी साडे कोल फयाज भाई है इत्थे नाल, यानी कि तुहानूं दिखाया भी होगा अग्गे भी वीडियो दे विच भी साडे घर तों थोड़ा जिहा दूर आ, असी अपने घर घर तो कैमरा मार के भी विखाया सी अपने भैणा भरावां नूं साडे घर तो फयाज भाई का किन्ना सफ़र। तो जदों आपी ईरम ने फयाज भाई दे उहनां दे घर आउणा सी, असी साडा अचानक प्रोग्राम बनिया कि असी यानी कि फयाज भाई दे उहनां दे घर जाणा। तो जिस टाइम असी फयाज भाई नूं फोन किया तो उन्हें कहा जी साडे मेहमान आ रहे ने यूके तो, सानूं अगर पता होंदा कि आपी ईरम फयाज भाई उहनां कोल आ रही है ते फिर असी जाना सीगा, फिर असी सानू ये इलम नहीं सी हैगा रुकदे के वे मेहमान आए जी, उन्होंने मेहमान ते सानू ये पता सी अगर उन्होंने ये मेहमान है तो साडा भी तो मेहमान ही है, साडा भी मेहमान है। ते बस असी ओ तो असी इस गल फैमिली सीगे कि हो सकदा यानी कि अली वीर भाई दे कोई रिश्तेदार कोई लंबे चौड़े यानी कि रिश्तेदारी हैगी, उन्होंने भाई भी उधर रहंदे हुंदे आ, ते असी कहिंदे हो सकदा उधरों कोई आया होवे, वैसे फिर बंदा बिला वजह या बगैर शनाख्त तो विच नहीं वड़दा चंगा लगदा। फिर इस वजह तों फिर असी भाई नूं फोन कीता, उन्होंने कहा साडे मेहमान आ ने असी रुक गए। तो फिर असी जदों थोड़ी देर बाद यानी कि उन्होंने चल जाने तो बाद उन्होंने दो घंटे बाद शायद वीडियो अपलोड की थी, तो जो असी वीडियो देखी तो सानू बहुत ज्यादा अरमान होया कि अगर आप ईरम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਵਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਈਰਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਈਰਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਲੀ ਵੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਆ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਯਾਦ
हम शक्ल देखें टीचर की याद पूरी हो सकती थी। तो फिर मैं आप इरम की अक्सर वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाते, बहुत अच्छा कॉन्टेंट हों उन्होंने, यानी कि रैसपी वगैरह भी बनाते हैं, या वैसे भी किसी मौजू पर उन्होंने कोई भी यानी कि कॉन्टेंट हो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा हों और समझने वाले वास्ते बहुत ही सलाह होंगी है। तो मैं बहुत अच्छा लगे। फिर उस तो बाद यानी कि मेरी रूटीन ही बन गई, मैं डेली सवेरे देखा, शामी देखा, दोपहरे देखा, मैं उन्होंने लाजमी वीडियो देखनी होंगी। इरम ने साडे नाल कल दी वीडियो दे विच साडी हेल्प बहुत ज़्यादा की है, साडे चैनल नूं शेयर किया, बहुत वधिया लग्या सानू सपोर्ट करो। बहुत शुक्रिया इरम आपी तुहाडा कि साडी वीडियो नूं लाइक शेयर कीता। अच्छा जी, मैनू ये भी उम्मीद है अपने भैन भरावान जो सू सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, उन्होंने भी कई बड़े चैनल बड़े यूट्यूब ने भैन भरावान भी कहा कि साढ़े चैनल का विजिट करो, साढ़े चैनल सपोर्ट करो। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे भैन भरावान का भी ये हथ हैगा, यानी कि थोड़ा जहाँ वावा सारा हथ हैगा कि भी साढ़े चैनल सपोर्ट करने लिए, कि उन्होंने आप ईरम भी कहा होना। तो मैं अपने उन्होंने तमाम भैन भरावान की शुक्रगुजार हाँ। तो मैं उन्होंने भैन भरावान भी कहूँगी जो बड़े यूट्यूबर ने साड़ी वीडियो देख रहे हैं, साढ़े चैनल पर आए हैं आप ईरम की वजह तो, तो मैं को उन्होंने भी कहूँगी कि मेरे चैनल सबसक्राइब करो, तो मेरे चैनल का विजिट करो और मेरे ज़्यादा तो ज़्यादा सपोर्ट करो। तो अच्छा जी, थोड़ी मैं एक प्यारी जी गल दसा कि मैंने ना टालिया का शौक से, अल्लाह ने मेरे घर के कोल टाली उगा दी है, तो गाह टाली उगड़ रही है, एक गाह उगड़ रही है। अच्छा जी, मेरे भैन भरा कहते थे कि तुम छोटे छोटे दरख्त लाओ छोटे छोटे हुने तो, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि असं अल्लाह करके नवा घर बनावेंगे, चार छेरे बूटे लावेंगे सोहने तो सोहने। यह देखो जी, मैं ना निम्मा दी लिया सी गिटक, वो लिया के लाइया, कुछ साह लाइया कुछ उधर वह आवा तो भाई बस एवं पांच सौ खिंचे से, वह भी अलग हो गया आ भी हो गई। तो यह जी मेरे को माशाला माशाला कावे का बूटा ये लिया मुजम्मल ने वाढ़िया ने दिनों में, जो यानी कि बाहर गए से ना गंदम की कटाई कटू कर उतों लैके आए थे, ये छोटा जहाँ बिल्कुल लाया अलग करना माशाला, बारिशों की वजह तो सब्जियां सुब्जियां तो नहीं बचिया, ये अलग ही तो कैम हो गया तो बेहतर हो गया। तो यह है जी सभी खजूरा भी बूटे, ये भी माशाला हम तुरे अल्लाह खैर करे सोने काफ़ी ज़्यादा ने। असी मैं पहला सोचा सी उन्होंने लैदा लैदा कल, मैं क्या उन्होंने सोचना जान, फिर इस वजह तो उन्हें लैदा नहीं किए, फिर इकट्ठे ही रहन दिते। देखो माशाल्लाह कितने सोहने लगन दे, तो फिर अल्लाह खैर करे हौली हौली ना, बाकियों तो लैदा लैदा करा खजियों का बाग इतें ही रहेगा इकट्ठा ही। तो आ देख लो तकरीबन ना मैं हफ्ते दो तीन बार सफाई करनी पैंती है सिर्फ बारिशों की वजह तो, नहीं तो पहला काफ़ी नाली सारी बंद हो गई, सिर्फ मांजा फेरना पैंता है। हाँ तो हूँ दोबारा फिर भी सफाई करनी पैनी है, भैन भरावान ने देखे से बारिशों के बिच लग के ही असं, यानी कि ना हर वक्त ही सानू करनी पैनी जो बारिश आदि रही, लेकिन हम घर बहुत ज्यादा वध गया, गर्मी भी बहुत ज्यादा, तो इन्ना टाइम भी नहीं लगता। देख लो किडे किडे प्यारे निम्मा के बूटे, इतने बीज सीटिया से असं इतने आके चलो निम्मा हो जाएगी, तो निम्मा का निम भी ला लो दूसरी छतरी वाली लियानिया, वो नहीं छतरी वाली नहीं नहीं मकैना दरेकां नहीं होंदियां जिहड़ियां दूसरियां वो डकाउण वालियां, हां हां वो वालियां लियानिया। देखो माशाल्लाह इसलिए देखो थोड़ी थोड़ी इन्हें भी छां हो गई, हूँ अल्लाह खैर करे कुछ भी उम्मीद फट गए ने छां की, तो तुम इस तरह करो कि शाम की रोटी का भी कुछ करना, तो तुम ना उधर मम्मी हूँ वाल जाओ, तो इतने कुछ नहीं आता पता कर रहा पिंडी धोरी पिंडी धोरी पिंडी धोरी लगी होनी, अच्छा मैं जाना चलो अल्लाह खैर करे लै आओ फिर पिंडी धोरी, तो फिर शाम के सालन सुलन बनाने का भी सोचिए, तो अल्लाह खैर करे ताज़ा फ्रैश पिंडी होंगी भैन खावो माशाल्लाह बहुत मजे की बनती है, तो तुम सब्जी लै आओ। तो मैं टाइम हो गया तो मैं आया भिंडियां लैन, तो सब्जी इतों तोड़ा देख लो माशाल्लाह बहुत प्यारियां भिंडियां ने, तो हम मैं भिंडियां तोड़दा इतों, तो कद्दू भी है, कद्दू है निके निके, तो निका एक आ लगा आ, तो ये हैगा छोटा थोड़ा आ, तो भिंडियां अल्लाह खैर करे ठीक है, तो भिंडियां तो मैं हूँ तोड़दा नाले अपने भैन भरा उन्होंने शेयर करदा। लो कि प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह देख लो कि प्यारी भिंडी है कूले, इस तरह दी सारियां लभ लवेंगे तो विक जो फिर के, तो माशाल्लाह साडा शाम का डंग ना जाना, तो काफ़ी लगी है आ देख लो कि प्यारी है। अच्छा जी, अच्छा जी फाइनली मैं ना भिंडियां तोड़ लिया, देख लो साडे वास्ते इनियाँ काफ़ी है, ये साढ़े तकरीबन अद्धा किलो हो जानी है, मैं तोड़िया कूलियाँ कूलियाँ कच्चिया कच्चिया के सब्जी सही बनेगी इंशाल्लाह। भैन भरा उन्होंने मिठिया की सैर करा देव के मिठे भी माशाल्लाह हो गए तैयार, तो ऐतकी फल तो कोई नहीं लग्या मिठिया, बस एवं कितने कितने दाने ही हैं तो जड़े है ठीक है,
माशाल्लाह देख लो मिठे। तो जिहड़े भैन भरा ने खाने कमेंट च सानूं दस देवे असी जां इत्थे आ जावे साडे कोल। मैं माशाल्लाह एक तो तोड़दा दूसरा भी ते एक आवे तीन तोड़ लै देख लो तुहाडे सामने माशाल्लाह किड्डे प्यारे अजे पूरे मोटे नहीं होए। रंग जिस टाइम चेंज हो जाए फिर इन्हें मिठिया का होर मजा आता। चलो जी हुण असीं चलदे हां घर नूं। सब्जी ते एक होर मैं नवा तोहफा भी लैके आया ए आ देख ला मिठे आ देख ला मिठे एक एक सारे दा लैके आया ताज़ा ते फ्रैश भिंडी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती पी। अज लैके असी ताज़ा तोड़ के लियाए सी बूटियां तो माशाल्लाह बहुत सोहनी लगन दे। अच्छा जी आज दी वीडियो इन्नी सी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस तक लिए अपना ते अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय।